दुनिया भर के एडवेंचर वाइल्ड लाइफ इको धार्मिक वर्ग के सैर सपाटे किस्म आदियां ने सामने दसते हैं कि वड्डी गिनती विच लोग दुनिया के हर कोने दे विच आते हैं अते भारत भी आते हैं। हालांकि भारत विदेशों लई खिच दा खास केंद्र बनिया रहिंदा पर अज असीं तुहानूं दसण जा रहे हैं कि विदेशी औरतां गर्भवती होण दे लई देश के एक खास कोने दे विच आउंदियां ने। कोना किहड़ा है ते क्यों आउंदियां ने, इस दे पिछे कारण की है तुहानूं दसदे हां। कारगिल तो 70 किलोमीटर दूर लद्दाख दे विच एक पिंड है। इस पिंड नूं आर्या घाटी वजो जाणिया जांदा है। दावा कीता जांदा है कि विदेशों तो खास करके यूरोपी देशों तो औरतां इत्थे सिर्फ इस दे लई आउंदियां ने तां जो वो इत्थों दे मर्दां तो गर्भवती हो सकन। ये थोड़ा अजीब है पर इसकी बहुत चर्चा की जा रही है। ब्रुकबा कबीले के लोग लद्दाख की आर्या घाटी रहते हैं। उन्होंने बारे ये भी कहा जाता है कि ये लोग सिकंदर महान की फौज के वंशज ने। इना ही नहीं, ये भी दावा किया जाता है कि वह दुनिया में रह रहे आखिरी शुद्ध आर्यन ने। यह भी कहा जाता है कि जो सिकंदर महान भारत छड़ के जा रहा है तो उसकी फौज का कुछ हिस्सा भारत के ही रह गया और उन्होंने वंशज अजे भी भारत के ने। सिकंदर की फौज वांग विदेशी औरतें चंगे शरीर शरीरिक बनकर मजबूत शरीर बारे मर्दा की भाल के आदियां ने गर्भवती होने तो बाद इतों चलिया जाए। यह भी कहा जाता है कि पहला इस भाईचारे के लोगों के इस प्रति बहुत क्रेज नहीं सी पर इंटरनेट के प्रचार तो बाद विदेशी औरतों की गिनती काफ़ी बदल लगी है। विदेशी औरतें शरीरिक संबंध के बदले मर्दा पैसे तक दिंदियां ने। ब्रुकबा का यह भी दावा है कि वह आर्यना की संतान हैं पर इसका कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने कोई जांच नहीं की जा रही है पर उन्होंने कद शरीरिक बनकर कुछ कहानियां लोग कथावां के आधार से वह शुद्ध आर्यन होने का दावा करते हैं। माहरां का कहना है कि प्रेगनेंसी टूरिज्म सिर्फ एक बड़ी बनाई गई कहानी है।